ठीक है भाई, आज से हम लोग रिवीजन स्टार्ट करेंगे बायोलॉजी का। और 12th एनसीईआरटी में सबसे पहले हम लोग इकोलॉजी पर बात करेंगे। तीन चैप्टर है यहाँ, तो एग्रीगेमेंट, पॉपुलेशन, इकोसिस्टम और बायोडायवर्सिटी। तो कोशिश करेंगे अगर छोटा चैप्टर होगा तो एक दिन में, अगर बड़ा होगा तो मैक्सिमम दो दिन में हम लोग कवर करेंगे। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं आज पहला चैप्टर। चैप्टर का नाम है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। अच्छा, ये स्टार्ट करें उसके पहले हम लोग ये जान लें कि आखिर इकोलॉजी क्या होती है। तो इकोलॉजी का मतलब क्या होता है, तो हम जानते हैं इकोलॉजी का मतलब क्या होगा। इकोस का मतलब होता है हाउस। इको शब्द कहां से बना है, हाउस या ड्वेलिंग प्लेस अर्थात रहने का स्थान। और लॉगस मतलब होता है स्टडी। तो जो रहने का स्थान है उसके अध्ययन को हम क्या बोलते हैं, इकोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, इकोलॉजी। और इसके अंतर्गत हम लोग क्या पढ़ते हैं, ऑर्गेनिज्म का ऑर्गेनिज्म के साथ क्या रिश्ता है, ऑर्गेनिज्म का ऑर्गेनिज्म के साथ क्या रिश्ता है, कैसा इंटरेक्शन है एक ऑर्गेनिज्म का एक प्राणी का किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ, क्या रिश्ता है, क्या इंटरेक्शन है, ये हम लोग पढ़ते हैं। और साथ ही साथ ऑर्गेनिज्म का एनवायरमेंट के साथ क्या रिलेशन है, इस बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो ऑर्गेनिज्म का ऑर्गेनिज्म के साथ इंटरेक्शन, ऑर्गेनिज्म का आपस में इंटरेक्शन। अच्छा, ये ऑर्गेनिज्म क्या है, प्राणी, जैसे मान लो इंसान का इंसानों के साथ कैसा रिश्ता है, कैसा इंटरेक्शन है, पॉजिटिव है, निगेटिव है, बेनिफिशियल है या हार्मफुल है। किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ कैसा रिश्ता है, कैसा इंटरेक्शन है। और साथ ही साथ एनवायरमेंट, हवा, मिट्टी, पानी, इनके साथ कैसा इंटरेक्शन है, इस बात को हम लोग पढ़ते हैं कहां पर, इकोलॉजी में पढ़ते हैं ना। तो हमने कहा कि इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ इंटर रिलेशनशिप बिटवीन अमंग ऑर्गेनिज्म, बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड बिटवीन एनवायरमेंट। तो इकोलॉजी के अंतर्गत हम लोग ये बातें पढ़ते हैं भाई। अच्छा जी, एक बात और आपको बताएं। पहला हमने कहा कि अगर आपसे ये पूछा जाए कि टर्म इकोलॉजी किसने दिया था, क्या बोला जाए कि टर्म इकोलॉजी किसने दिया था, अगर ऐसा सवाल आपसे बने तो आप क्या बताओगे। एक वैज्ञानिक का नाम सुन रखा होगा, हैकेल का नाम जरूर सुन रखा होगा। टर्म इकोलॉजी किसने दिया था, हैकेल ने दिया था। तो टर्म इकोलॉजी वाज गिवन बाय हैकेल, नाम सुना होगा। और ये फोटो बना है किसका, प्रोफेसर रामदेव मिश्रा का। और इनको कहा जाता है फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी। आप कोई चैट मत करना, आप मेरी बातें चुपचाप सुनते रहना। कोशिश करेंगे आधे ज्यादा चैप्टर आज फिनिश करने की, एक घंटे, और पर डे एक घंटे आप आते रहिएगा, पूरा बायोलॉजी ऐसे ही रिकॉल हो जाएगी। एक एक लाइन हम लोग पढ़ते हुए आगे बढ़ते चले चलेंगे। तो ये जो फोटो बना है किसका, रामदेव मिश्रा का है। और इनको क्या बोला जाता है, फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी बोलते हैं। बाकी इनके बारे में कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है। और चलते हैं चैप्टर पर। चैप्टर का नाम क्या है, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। ठीक, ये पुरानी एनसीईआरटी की पीडीएफ लग गई है, चैप्टर यहाँ गलत लिखा होगा। ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन के बारे में हम लोग बात करेंगे। लिखा है कि हमारा जो संसार है ये कितना ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, कितना ज्यादा विस्मित करने वाला, आश्चर्यचकित करने वाला है, अचंभित करने वाला है, इसकी सिर्फ आप कल्पना कर सकते हैं। और ये भी लिखा कि कॉम्प्लेक्सिटी सिर्फ ये ऑर्गेनिज्म के लेवल पर नहीं है, बायोम के लेवल पर नहीं है, इकोसिस्टम के लेवल पर नहीं है, बल्कि बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के प्रत्येक लेवल पर हमको डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। जैसे एग्जांपल के तौर पर हम आपको बताएं, थोड़ा सा इकोलॉजिकल हायरार्की के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। हम लोग जानते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलते हैं तो क्या बनेगा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिले तो क्या बना, एटम। अच्छा जी, एटम मिलेंगे तो क्या बनेगा, मॉलिक्यूल बन जाता है। क्या बन जाता है, मॉलिक्यूल। या हम लिविंग के बारे में बात करें तो हम कहते हैं चलो सेल ऑर्गेनेल बन गया। अच्छा, सेल ऑर्गेनेल से उसके बाद हम यहाँ पर लिख देते हैं क्या बन गए, सेल ऑर्गेनेल ही बन गए। ठीक, इससे क्या बनेगा, सेल बनेगी। अच्छा, यहाँ पर देखो कितनी कॉम्प्लेक्सिटी। जैसे हम सेल ऑर्गेनेल लेवल पर गए, आपने माइटोकॉन्ड्रिया का नाम सुना होगा, क्लोरोप्लास्ट का नाम सुना होगा, राइबोसोम, सेंट्रियोल, गॉल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, कितनी ज्यादा अंतर। फिर क्या, सेल लेवल पर आप प्लांट और एनिमल सेल में देख लो कितनी ज्यादा अंतर है। प्लांट में सेल वॉल पाई जाती है, एनिमल में सेल वॉल नहीं पाई जाती।
प्लांट में क्लोरोप्लास्ट प्लास्टिक पाया जाता है, एनिमल में प्लास्टिड नहीं पाया था, यहाँ पर डिटेल्स आ रहे हो। फिर क्या हुआ, सेल से क्या बन गए, टिश्यू का निर्माण हो गया। टिश्यू लेवल पर भैया आप देखो डिटेल्स पाई जाती है या डिफरेंस पाया जाता है। प्लांट में दो प्रकार के टिश्यू दो ग्रुप में बांट दिया, मेरिस्टमैटिक और परमानेंट। मेरिस्टमैटिक वो थे जो डिवाइड हो रहे होते हैं, परमानेंट वो थे जिनमें डिविजन की एबिलिटी समाप्त हो गई। एनिमल में बात किया तो चार प्रकार के टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, न्यूरल टिश्यू। टिश्यू से क्या बना, टिश्यू से बन गया टिश्यू सिस्टम। टिश्यू सिस्टम से क्या बनता है, ऑर्गन बन जाता है। टिश्यू सिस्टम से ऑर्गन बन जाता है और ऑर्गन से क्या बन जाएगा, ऑर्गन सिस्टम का निर्माण हो जाएगा। हम इसकी बातें करेंगे। और ऑर्गन सिस्टम से क्या बन गया, एक ऑर्गेनिज्म का निर्माण हो गया। क्या निर्माण हो गया, ऑर्गेनिज्म का निर्माण हो गया। तो कहते हैं कि प्रत्येक लेवल पर हमें कॉम्प्लेक्सिटी ये जटिलता देखने को मिलती है। और जब हम बात करते हैं इकोलॉजी में, तो इकोलॉजी की जो सबसे बेसिक यूनिट है वो क्या है, एक ऑर्गेनिज्म ही तो है। एक ऑर्गेनिज्म को हम इकोलॉजी की बेसिक यूनिट मानते हैं। जैसे आपने पढ़ रखा है कि सेल को हम बेसिक यूनिट मानते हैं, किसकी, किसी लिविंग बींग की। सबसे बेसिक यूनिट कौन है, सेल है। उसी प्रकार से इकोलॉजी में जब हम बात करते हैं तो इकोलॉजी की सबसे बेसिक यूनिट क्या होती है, ऑर्गेनिज्म। एक प्राणी, जैसे हम एक इंसान एक प्राणी है, डॉग भी एक ऑर्गेनिज्म है, कैट भी एक ऑर्गेनिज्म है, एलिफेंट भी एक ऑर्गेनिज्म है। और ऑर्गेनिज्म के बाद हम लोग बात करते हैं यहाँ पर पॉपुलेशन की। सब लिखा हुआ यहाँ पर, यहाँ इसकी किसकी बात करते हैं, पॉपुलेशन। सर पॉपुलेशन क्या होगा, देखो पॉपुलेशन का मतलब है कि किसी स्थान पर, जैसे मान लो हमने यहाँ ऐसे लिख दिया कि मान लो लखनऊ है, ये कानपुर है, ये दिल्ली है, ठीक। हमने कह दिया ये लखनऊ है, कानपुर है और दिल्ली है। और यहाँ पर होमो सेपियंस की स्पीशीज पाए जा रही, इंसान पाए जा रहे, ह्यूमन पाया जा रहा। तो जो लखनऊ के लोग हैं, जो लखनऊ में इंसान पाए जा रहे हैं, या कानपुर में जो इंसान पाए जा रहे हैं, या दिल्ली में जो पॉपुलेशन जो इंसान पाए जा रहे हैं, ये क्या कहलाएगी, ह्यूमन की पॉपुलेशन। लखनऊ में रहने वाले ह्यूमन की पॉपुलेशन, कानपुर में रहने वाले ह्यूमन की पॉपुलेशन, दिल्ली में रहने वाले इंसानों की पॉपुलेशन। और आपस में सब कहलाती है सिस्टर पॉपुलेशन। क्या कहलाती है, सिस्टर पॉपुलेशन। अच्छा पॉपुलेशन के बाद हम लोग बात करते हैं स्पीशीज की। कहते किसकी बात करेंगे, स्पीशीज की। पूरे वर्ल्ड में ह्यूमन के जितनी भी पॉपुलेशन पाई जा रही, जितनी भी सिस्टर पॉपुलेशन पाई जा रही, उन सबको मिलाकर हम बोलते हैं क्या, स्पीशीज। पूरी दुनिया में जितने भी कुत्ते पाए जा रहे हैं, डॉग पाए जा रहे हैं, उनकी हम क्या बोलते हैं, स्पीशीज। पूरी दुनिया में जितने भी एलिफेंट पाए जा रहे हैं, सबको मिला दिया जाए तो स्पीशीज बोलते हैं। तो हमने कहा इकोलॉजी की सबसे बेसिक यूनिट ऑर्गेनिज्म है। ऑर्गेनिज्म के बाद हम बात करते हैं पॉपुलेशन की, और पॉपुलेशन के बाद हम बात करते हैं स्पीशीज की, और स्पीशीज के बाद हम लोग बात करते हैं कम्युनिटी की। अच्छा कम्युनिटी क्या होगा, कहते कम्युनिटी में एक स्पीशीज नहीं बल्कि किसी जियोग्राफिकल एरिया, जियोग्राफिकल एरिया मान लो हम यही बात करते हैं लखनऊ की बात कर लेते हैं या कानपुर की बात करते हैं, सिर्फ इंसान तो पाए नहीं जा रहे, दूसरे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म पाए जाते होंगे, हाथी भी होता है, घोड़ा भी होते होंगे, शेर भी होता होगा, चूहे, बिल्ली, जाने कितनी स्पीशीज पाई जा रही, ये सब मिलाकर क्या बोलते हैं, एक कम्युनिटी। किसी जंगल में आम के पेड़ भी है, सागौन के पेड़ भी है, बबूल के पेड़ भी है, नीम के पेड़ भी है, तो पेड़ों की क्या हो गई, एक कम्युनिटी हो गई। एनिमल्स की कम्युनिटी, प्लांट की कम्युनिटी बोलो, तो कम्युनिटी की बात करते हैं। और कम्युनिटी के बाद हम लोग पढ़ते हैं क्या, कम्युनिटी के बाद पढ़ते हैं। अच्छा हमने कम्युनिटी में क्या है कि अलग अलग स्पीशीज की जो पॉपुलेशन है किसी जियोग्राफिकल एरिया में पाई जा रही, उसके लिए हम शब्द इस्तेमाल करते हैं क्या, कम्युनिटी शब्द इस्तेमाल करते हैं। और कम्युनिटी के बाद हम लोग बात करते हैं, हम चैट पढ़ेंगे नहीं किसी की, आप सिर्फ मेरी बातें सुनते रहे ना, जब क्लास खत्म होगी एक घंटे बाद तो चैप्टर आपका काफी कुछ क्लियर हो चुका होगा। फिर हम लोग पढ़ते हैं, बात करते हैं इकोसिस्टम। अच्छा सर इकोसिस्टम में बायोटिक और एबायोटिक दोनों कंपोनेंट आते हैं। क्या क्या आता है, यहाँ बायोटिक कंपोनेंट भी आते हैं, और हम ये मान के चल रहे हैं कि आप चैप्टर पढ़ चुके होंगे, इसी स्पीड में करवाएंगे, एबायोटिक कंपोनेंट भी आते हैं। बायोटिक का मतलब लिविंग बींग, चाहे वो प्लांट हो, चाहे एनिमल हो, फंजाई हो, बैक्टीरिया हो, अमीबा हो, तो बायोटिक कंपोनेंट हो गए, ठीक। एबायोटिक कंपोनेंट सॉइल की बात करें, मिट्टी की बात करें, पानी की बात करें, लाइट की बात करें, टेम्परेचर की बात करें, हवा की बात करें, ये एबायोटिक कंपोनेंट।
तो इकोसिस्टम में बायोटिक कंपोनेंट भी आते हैं और एबायोटिक कंपोनेंट। किसी भी जियोग्राफिकल एरिया मान लेते हैं, लखनऊ की बात कर लेते हैं, यहाँ जो लिविंग और एबायोटिक दोनों कंपोनेंट है, इन सबको मिला दिया जाए तो एक इकोसिस्टम हो गया। एक फॉरेस्ट को भी हम इकोसिस्टम कह सकते हैं, वहां लिविंग बींग भी है, प्लांट भी है, एनिमल भी रहते होंगे, मिट्टी भी मौजूद है, एबायोटिक कंपोनेंट प्लांट एनिमल बायोटिक कंपोनेंट, पानी भी है एबायोटिक कंपोनेंट, सनलाइट आ रही एबायोटिक कंपोनेंट, टेम्परेचर घटता बढ़ता है एबायोटिक कंपोनेंट, हवा चल रही एबायोटिक कंपोनेंट। तो इकोसिस्टम तो छोटा बड़ा कुछ भी हो सकता है, बाद में बात करेंगे, कल बात करेंगे इस पर। लेकिन हमने कहा इकोसिस्टम शब्द का इस्तेमाल तब करते हैं जब बायोटिक और एबायोटिक दोनों प्रकार के बारे में बात करी जा रही हो। और इकोसिस्टम की बात हम लोग बात करते हैं किसकी, बायोम की, इसकी बात करेंगे, बायोम की बात करते हैं। अच्छा बायोम एक बड़ा शब्द है, क्या बोला, बायोम एक बड़ा शब्द है। किसी रीजनल कॉन्टिनेंटल द्वीप उपमहाद्वीप की अगर बात करी जाए, वहां पर जो फ्लोरा और फना प्लांट और एनिमल वगैरह पाए जा रहे हैं, इन सबको बायोम, सब बायो से बना होगा, लिविंग की बातें कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं बायोम। और सारे बायोम को मिला दिया जाए तो हम बोलते हैं क्या, बायोस्फीयर। क्या बोलते हैं, बायोस्फीयर शब्द बोलते हैं। तो बड़ी बेसिक बातें हम कर रहे हैं। हमने कहा कि इकोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं, सबसे बेसिक यूनिट ऑर्गेनिज्म। अच्छा जो इकोलॉजी है वो चार चीजों की बात करती है, ऑर्गेनिज्म की बात करेगी, पॉपुलेशन की बात करती है, कम्युनिटी की बात करेगी, और बायोम की बातें करी जाती है यहाँ। लेकिन ये सब क्या है, हायरार्की बन गई, सबसे बेसिक यूनिट सबसे छोटी यूनिट ऑर्गेनिज्म है, सबसे बड़ा रूप क्या होगा, बायोस्फीयर हो जाएगा। बोलो भैया ऑर्गेनिज्म क्या है, हमने बताया एक प्राणी की बात कर रहे हैं, वो प्राणी कोई भी हो सकता है, चाहे एनिमल हो या प्लांट हो। फिर हमने कहा कि बहुत सारे एक ही स्पीशीज के बहुत सारे जो एक ही स्पीशीज जो लोग किसी एरिया में पाए जा रहे हैं उनको हम पॉपुलेशन कह देते हैं, इंसानों की पॉपुलेशन, शेर की पॉपुलेशन, पेड़ आम की पॉपुलेशन, पीपल की पॉपुलेशन। फिर ने बताया कि पूरी दुनिया में जो पॉपुलेशन पाई जा रही उन सबको मिलाकर स्पीशीज कह दिया। फिर ने बात किया कम्युनिटी, बहुत सारी स्पीशीज की जो पॉपुलेशन किसी जियोग्राफिकल एरिया में पाई जाए तो कम्युनिटी कहते हैं। फिर बात किया इकोसिस्टम, जहां बायोटिक और एबायोटिक दोनों कंपोनेंट आते हैं, लिविंग भी और नॉन लिविंग दोनों आते हैं। फिर बात किया हमने बायोम, बायोम के बाद बायोम और बायोम के बाद हमने बात करी है इसकी बायोस्फीयर की। और चैप्टर में आते हैं, स्टार्टिंग में देखते हैं क्या लिखा है। हमने कहा ये लिखा है कि भैया कितना ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी है प्रत्येक लेवल पर, मैक्रो मॉलिक्यूल सेल, देखो जो बोला वही लिखा है, मैक्रो मॉलिक्यूल सेल, टिश्यू, ऑर्गन, एक ऑर्गेनिज्म की बात किया, पॉपुलेशन, कम्युनिटी, इकोसिस्टम और बायोम, ये सारे शब्द लिखे थे। मैंने एक दो शब्द और बढ़ा दिए जैसे बायोस्फीयर की बात कर दिया। तो कहते हैं जब हम बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन को देखते हैं तो हमारे दिमाग में कई क्वेश्चन आते हैं। जैसे पहला सवाल यहाँ लिखा है, यहाँ पहला सवाल लिखा है कि सुबह सुबह बुलबुल जो गाने गाती है, वो सुबह सुबह बुलबुल क्या करती है भैया, गाने गाती है, आपने सुना होगा। तो जब बर्ड गाना गाती है, बुलबुल गाना गाती है, तो हमारे दिमाग में यह आता है कि बर्ड आखिर ये बुलबुल गाना गा रही है वो कैसे गा रही है। और दूसरी बात हमारे दिमाग में आती है कि बुलबुल फालतू में गाना गा रही है क्या, गाना ही क्यों गा रही। तो ये जो हाउ डज द बर्ड सिंग, बर्ड गाना क्यों गा रही, कैसे गा रही, कैसे गा रही, तो भैया इसमें वॉइस बॉक्स पाए जाते हैं, जैसे हम लोगों में लैरिंग्स पाए जाते हैं, ठीक वैसे ही बर्ड में क्या पाए जाते हैं, साइरिंग्स पाए जाते हैं। जो बोन्स है साउंड बॉक्स में वो वाइब्रेट करती है जब एयर जाती है, उसी की वजह से साउंड प्रोड्यूस होती है। दूसरा क्या कि बर्ड गाना क्यों गाती है, तो अपने मैटिंग पार्टनर को अट्रैक्ट करने के लिए ये गाने गाती है। ठीक, तो हमने क्या बताया, जब हमने इस बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन को देखा तो कुछ सवाल आए, क्या जैसे पहला क्या कि सुबह सुबह बुलबुल गाना क्यों गाती है, कैसे गाती, कैसे गाने बताया, साइरिंस के द्वारा क्यों गाती है, अपने मैटिंग पार्टनर को अट्रैक्ट करने के लिए, बर्ड्स नीड टू कम्युनिकेट विद इट्स मेट ड्यूरिंग ब्रीडिंग सीजन। फिर एक दो सवाल और लिखे, लिखा है व्हाई आर नाइट ब्लूमिंग फ्लावर्स आर जनरली व्हाइट, रात में जो फूल खिलते हैं जैसे चमेली का फूल देखा होगा सफेद होता है, तो रात की रानी का नाम सुना होगा सफेद फूल होता है। तो मेरे सवाल ये आता है कि रात में जो फूल होते हैं खिलते हैं वो आखिर सफेद क्यों होते हैं, सफेद इसलिए होते हैं कि व्हाइट कलर की विजिबिलिटी नाइट में ज्यादा होती है। कोई ब्लैक कलर का आदमी खड़ा हो, कोई व्हाइट कलर के मान लो कोई खड़ा हो, हीरोइन खड़ी हो,
तो बताओ आप किसको आसानी से देख पाओगे? हम खड़े हो, मेरे बगल कोई हीरोइन खड़ी हो तो हीरोइन को आसानी से देख लो, मेरा रंग गोरा है सफेद रंग है। तुमने ये कहा कि रात में खिलने वाले फूल सफेद होते हैं जिससे इंसेक्ट उनको आसानी से क्या करे, रिकॉग्नाइज कर ले, आसानी से उनको पहचान ले। फिर अगली बात आती है कि व्हाई डज कैक्टस हैव सो मेनी कांटे, कैक्टस में बहुत सारे कांटे क्यों होते हैं? भैया पानी के लॉस को कम करने के लिए पत्तियां कांटों में बदल जाती हैं, रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन को मिनिमाइज करने के लिए और अपने दुश्मनों से अपने प्रेडेटर से सुरक्षा के लिए इनमें कांटे पाए जाते हैं। तीसरी बात, हाउ डज द चिक रिकॉग्नाइज हर ओन मदर, कैसे मुर्गी का बच्चा मुर्गी को पहचान लेता है? तो इसका जवाब होगा फुटप्रिंट के द्वारा, पैरों के निशान के द्वारा मुर्गी का बच्चा मुर्गी को पहचान लेता है। फिर एक सवाल और नीचे लिखा है ये लिखा होगा यहाँ पर कि भाई नाइट ब्लूइंग फ्लावर जनरली व्हाइट, हाउ डज द नो बी नो विच फ्लावर हैज नेक्टर, आखिर बी को कैसे पता चलता है कि किसी फ्लावर में नेक्टर है? तो इसका जवाब याद कर लेना, इलेक्ट्रिकल चार्ज की वजह से कोई बी पहचान पाती है किसमें नेक्टर है किसमें नेक्टर नहीं है। तो मैंने आपको यह अब तक बताया, तो एक बार फिर से हम समराइज करते हैं। भाई सब लोग अपने अपने स्टेटस लगा लो क्लास का, ज्यादा लोगों को फायदा हो, ज्यादा लोग मैक्सिमम लोग देखें, हमें भी अच्छा लगेगा। अगली बात हम बात करते हैं, तो हमने जो बातें अभी तक किया एक बार समराइज करेंगे। हमने कहा इकोलॉजी का मतलब था इकोस मतलब हाउस या डवेलिंग प्लेस, लॉजी का मतलब था स्टडी, तो हाउस रहने के स्थान के अध्ययन को इकोलॉजी कहते हैं। यहाँ हम लोग पढ़ते हैं इंटर रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म एमंग ऑर्गेनिज्म एंड विद एनवायरमेंट। फिर हमने कहा कि टर्म इकोलॉजी किसने दिया था, हैगल साहब ने दिया था। फिर हमने बताया रामदेव मिश्रा को, प्रोफेसर रामदेव मिश्रा को फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी कहा जाता है। फिर हमने बात करी बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन मिले एटम बना, एटम से मॉलिक्यूल या सेल ऑर्गेनेल की बात किया, सेल टिश्यू ऑर्गन ऑर्गन सिस्टम, और फिर एक ऑर्गेनिज्म का बात ऑर्गेनिज्म की बात किया। हमने कहा कि बेसिक यूनिट ऑर्गेनिज्म को माना जाता है, ऑर्गेनिज्म के बाद पॉपुलेशन स्पीशीज कम्युनिटी इकोसिस्टम बायोम और बायोस्फीयर के हम लोगों ने बात किया। यहाँ इकोलॉजी बेसिकली चार बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का जिक्र किया जाता है। आपके सामने ये लाइन लिखी होगी, देखो भैया, तो चार बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन कौन है जिनका यहाँ पर जिक्र किया जाता है, चार कौन से भैया? तो देखो कौन से, साफ साफ एनसीईआरटी लिखती है, ये किसको मानते हैं, ऑर्गेनिज्म, फिर ऑर्गेनिज्म के बाद पॉपुलेशन, उसके बाद कम्युनिटी, और फिर क्या लिखा है, बायोम, और यही हमने आपसे बताया था। तो इस चैप्टर में हमको अब जो बातें थी ऑर्गेनिज्म और उसका एनवायरमेंट, ये सब एनसीईआरटी से हटा दिया गया है। अब यहाँ पर क्या किया गया, सीधे पॉपुलेशन से हम लोग पढ़ते हैं, बाकी सारी चीजों को क्या किया इन्होंने इस बार हटा दिया है। तो ठीक है भैया, एडाप्टेशन भी नहीं पढ़ना आपको, सीधे बात करेंगे किसकी, पॉपुलेशन। और जब हम पॉपुलेशन की बात करते हैं तो मेरे मन में एक सवाल आता है कि आखिर हम कैसे डिफाइन करें पॉपुलेशन को, तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे कि पॉपुलेशन को कैसे डिफाइन करें। तो एनसीईआरटी में एक जगह लिखा है कि ऐसे ऑर्गेनिज्म का, ऐसे प्राणियों का समूह जो आपस में इंटरब्रीड कर सके, ऐसे प्राणियों का समूह जो आपस में क्या कर सके, इंटरब्रीड कर सके, वो पॉपुलेशन बनाते। लेकिन इकोलॉजी जब हम पढ़ते हैं तो हम डिफाइन करते हैं ऐसे ऑर्गेनिज्म जो इसके इंटरब्रीड के साथ साथ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा प्रोड्यूस हुए हैं, उनको भी हम पॉपुलेशन ही मानते हैं। बैक्टीरिया की एक पॉपुलेशन बाइनरी फ्यूजन के द्वारा डिवाइड हुए थे, अमीबा बाइनरी फ्यूजन के द्वारा डिवाइड हुए थे, तो उसको भी हम क्या मानते हैं, पॉपुलेशन मानते हैं। अच्छा एक बात लिखिए कि आपने शायद ही कभी देखा हो कि किसी एक पॉपुलेशन में किसी एक स्पीशीज की बात करते हैं, किसी एक स्पीशीज का एक ही इंडिविजुअल सिर्फ पाया जाए, एक इंडिविजुअल मेल या फीमेल, तो कैसे ऐसा शायद ही कभी आपने देखा हो, वो एक्सटिंक्ट होने की कगार पर हो सकता है एक बची हो, क्योंकि मिनिमम दो तो चाहिए ही चाहिए जिस पर वो डिपेंडेंट हो, जो उसका मैटिंग पार्टनर हो, जिससे कि वो अपनी संख्या बढ़ा पाए। तो नेचर में ऐसा रेयरली होगा कि कोई किसी स्पीशीज की कोई एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म पाया जाए, नेचर में हमेशा क्या होगा, ग्रुप में पाए जाते हैं, और ग्रुप में पाए जाते हैं साथ साथ इकोलॉजी पढ़ रहे हैं, क्या कहती है,
आपस में भी इंटरेक्शन है, किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ भी इंटरेक्शन है और एनवायरनमेंट के साथ भी इंटरेक्शन है, तो ऐसा शायद संभव नहीं है। ग्रुप में रहते हैं एक स्थान पर, एक जियोग्राफिकल एरिया में, मान लो कहते हैं कि लखनऊ में रह रहे हैं, ठीक, और साथ ही साथ जो वहां के रिसोर्सेज हैं, और इकोलॉजी में जब रिसोर्स शब्द आए तो दो रिसोर्स की बात करते हैं, एक तो खाने के लिए भोजन चाहिए और रहने के लिए घर चाहिए, फूड एंड शेल्टर। उनके लिए क्या होगा, उनको आपस में शेयर करेंगे। मान लो कभी ऐसा होता होगा, आप भी पढ़ाई करते होगे, हम रोटी ले आए, आप सब्जी ले आए, तो आपस में बांट के खा लिया, हमने आपको दो रोटी दे दिया, आपने हमको आधी सब्जी दे दिया, शेयर करते हैं। कंपटीशन भी हो सकता है, आप नीट की तैयारी कर रहे हो, सीट लिमिटेड है, हम सब लोग आपस में क्या कर रहे हैं, कम्पीट कर रहे हैं, जो सुपीरियर होगा वो भैया जीतेगा, वो मेडिकल कॉलेज जाएगा जो ज्यादा पढ़ाई कर रहा होगा। तो कहते हैं कि जो ऑर्गेनिज्म है ग्रुप में रहते हैं, पॉपुलेशन और जो रिसोर्सेस हैं उनको आपस में शेयर करते हैं, उनके लिए रिसोर्स सिमिलर रिसोर्सेस के लिए आपस में लड़ाई भी करते हैं, कंपटीशन भी होता है, और आपस में क्या करते हैं, पॉपुलेशन की बात करें जो इंटरब्रीड करते हो मैंने बोला। लेकिन फिर हमने बोला कि जब इकोलॉजी की बात करते हैं तो सिर्फ उनको हम नहीं कहेंगे पॉपुलेशन जो इंटरब्रीड करते हो, जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के फलस्वरूप प्रोड्यूस हुए हैं उनको भी हम पॉपुलेशन कहेंगे, ये भी हमने आपको बताया। सर कोई एग्जांपल देके बताओ, इतनी बातें करने के बाद भी हमको ये समझ में नहीं आ रहा है कि पॉपुलेशन क्या होती है, तो हम आपको बताएं कि किसी जंगल में आप गए और वहां आम के बहुत सारे पेड़ थे तो आम के पेड़ों की एक पॉपुलेशन हो गई, किसी तालाब में गए और वहां रोहू मछली बहुत थी, रोहू की एक पॉपुलेशन हो गई, किसी आप तालाब के किनारे खड़े थे और तालाब में बहुत सारे चिड़िया थी जो पानी में रहती है, कार्मोरेंट, जलकाक कहते हैं हिंदी में, तो वहां पर जो कार्मोरेंट है तालाब में, जो यहाँ पर चिड़िया पैदा नहीं, ये चिड़िया की एक पॉपुलेशन हो गई। कोई खाली स्थान था, खूब सारा खाने पीने का मटेरियल पड़ा था, बहुत सारे चूहे यहाँ पर रह रहे थे, चूहों की एक पॉपुलेशन हो गई। किसी जंगल में गए, वहां बहुत सारे सागौन के टीकुट, मतलब होता है सागौन के पेड़ थे, और सागौन के पेड़ों की एक पॉपुलेशन हो गई। किसी कल्चर प्लेट को, किसी बैक्टीरिया को हमने एक प्लेट में ग्रो कराया था, बहुत सारे बैक्टीरिया यहाँ खा पी के अपनी संख्या बढ़ा रहे थे, जो बैक्टीरिया की कल्चर प्लेट में बैक्टीरिया थे, ये बैक्टीरिया की पॉपुलेशन हो गई। हमने किसी कल्चर प्लेट में एक ईस्ट को ग्रो करवा दिया था, ईस्ट की पॉपुलेशन फंगस की पॉपुलेशन हो गई। बोलो भैया, किसी तालाब में बहुत सारे कमल के फूल, कमल के पेड़ थे तो कमल के पेड़ों की पॉपुलेशन हो गई। तो हमने पॉपुलेशन को डिफाइन किया था, हमने कहा था कि किसी स्पीशीज के वो इंडिविजुअल जो एक जियोग्राफिकल एरिया में पाए जाते हो उसे हम पॉपुलेशन कहते हैं, और अलग अलग जियोग्राफिकल एरिया में जो उस स्पीशीज की पॉपुलेशन है वो आपस में सिस्टर पॉपुलेशन कहलाती है, ये भी हमने आपको बताया। तो हमने कहा कि यूजली ऐसा होता है कि अभी हम ग्रुप में रहते हैं, पॉपुलेशन में रहते हैं, आपस में इंटरेक्शन शो करते हैं और सिमिलर रिसोर्सेस को शेयर करते हैं, सिमिलर रिसोर्सेस के लिए आप रिसोर्सेस सिमिलर भी हो सकते हैं, अलग अलग कंपीट भी करते हैं रिसोर्सेस के लिए, ऐसा हमने आपको बताया। फिर एक बात लिखी है यहाँ पर कि एक शब्द लिखा है पॉपुलेशन इकोलॉजी, क्या लिखा है कि पॉपुलेशन इकोलॉजी क्या है इसके बारे में लिखा है। तो भैया कहते हैं कि इकोलॉजी के वो ब्रांच जहां पर हम ये अध्ययन कर रहे हो कि किसी एनिमल की पॉपुलेशन या प्लांट की पॉपुलेशन का, कि उनकी संख्या घट रही, बढ़ रही, ज्यादा हो रहे, कम हो रहे ना, इनका अध्ययन करें, उनके रिसोर्सेस का अध्ययन करें, ये कहलाता है क्या पॉपुलेशन इकोलॉजी। साथ में लिखा है कि पॉपुलेशन इकोलॉजी क्या है, ये भैया पॉपुलेशन जेनेटिक्स को इवोल्यूशन से लिंक करता है। लिखा है कि पॉपुलेशन इकोलॉजी एन इंपॉर्टेंट एरिया ऑफ इकोलॉजी बिकॉज इट लिंक इकोलॉजी टू पॉपुलेशन जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन। तो भैया पॉपुलेशन जेनेटिक्स का मतलब क्या है कि किसी पॉपुलेशन में हम जेनेटिक कैरेक्टर का अध्ययन करें, जो वहां बदलाव हो रहे हैं उनका अध्ययन करें। तो किसी पॉपुलेशन में जेनेटिक वेरिएशन की अध्ययन को हम क्या बोलते हैं, पॉपुलेशन जेनेटिक्स। क्या बोला हमने, हमने कहा स्टडी ऑफ जेनेटिक वेरिएशन विद इन पॉपुलेशन। क्या बोला, स्टडी ऑफ जेनेटिक वेरिएशन विद इन पॉपुलेशन, ये क्या कहलाता है, विद इन पॉपुलेशन, तो ये क्या कहलाता है पॉपुलेशन जेनेटिक्स, और इवोल्यूशन तो जानते ही होंगे क्या होता है। तो ये बातें हम लोगों ने अब तक किया।
अब एक बात और करते हैं, हमने कहा कि पॉपुलेशन इकोलॉजी पॉपुलेशन जेनेटिक्स को इवोल्यूशन से लिंक करती है, ये बात हमने बताई। एक बात और हम आपसे करना चाहते हैं, कहते हैं हो सकता है कि एक इंडिविजुअल या तो पैदा होगा, बर्थ होगी, या उसकी क्या होगी, डेथ होगी, मर जाएगा। लेकिन जब पॉपुलेशन की बात करते हैं तो वहां बर्थ और डेथ शब्द का इस्तेमाल हम नहीं करना चाहते, हमें शब्द इस्तेमाल करना चाहिए क्या वहां पर, वहां शब्द इस्तेमाल करते हैं बर्थ रेट, जन्म होने की दर, साथ में मृत्यु दर, डेथ रेट शब्द इस्तेमाल करते हैं। तो हमने कहा कि किसी इंडिविजुअल की जब बात करते हैं तो एक ऑर्गेनिज्म या तो पैदा होगा, बर्थ, या तो डेथ। लेकिन जब हम बात करते हैं पॉपुलेशन की तो आप बर्थ और डेथ से काम नहीं चलता, वहां पर हम बात करते हैं बर्थ रेट और डेथ रेट। अच्छा, बर्थ रेट और डेथ रेट में भी हम कैसे बताएंगे, तो वहां पर हम बर्थ रेट कैसे देखते हैं, प्रति व्यक्ति जन्म दर, बर्थ रेट पर कैपिटा, बर्थ रेट पर कैपिटा। अच्छा, ऐसे डेथ में क्या देखते हैं, डेथ रेट पर कैपिटा। जैसे अब एग्जांपल के तौर पर हम बताए, कहते हैं किसी जगह पर, किसी स्थान पर कानपुर में एक साल 2019 में टोटल 500 नए बच्चे पैदा हुए, तो आप बर्थ रेट क्या है, एक साल में कितने बच्चे पैदा हुए, 500 बच्चे पैदा हुए, बोलो भैया। अच्छा, अब हमें पर कैपिटा ही बताना था, तो जैसे ऐसे हम आपको बताएं, ये सॉल्व करने का बड़ा अच्छा एग्जांपल भी एनसीईआरटी में लिखा है कि किसी तालाब में, किसी तालाब में मान लो साल की शुरुआत में टोटल 20 लोटस के प्लांट थे, साल की शुरुआत में 20 लोटस के प्लांट थे, एक साल बाद वो टोटल प्लांट हो गए 28 हो गए। तब एक साल के बाद मतलब 8 नए लोटस ट्री बन गए होंगे, नए लोटस के प्लांट आए होंगे। तो आपसे यहां पूछा जाए बर्थ रेट बताओ, तो आप बर्थ रेट कैसे बताओगे, सिंपल सी बात, नए अपान पुराने, मतलब नए कितने आए 8, पुराने कितने थे हमारे पास 20। बताओ सॉल्व करें, 4 × 8 4×20 सॉल्व करेंगे, बर्थ रेट कितना आया पर कैपिटा 0.4, प्रति व्यक्ति जन्म दर पूछा जाता है ना। तो आप देखो जब 20 थे तो नए कितने हुए 8, पूछा था एक कमल पर कितने कमल बताओगे, बर्थ रेट बताना पर कैपिटा 8/20 कर दोगे। ऐसे जैसे एग्जांपल एक और लिखा है कि एक जगह पर क्या था फ्रूट फ्लाई के बारे में लिखा है कि फ्रूट फ्लाई की संख्या लिखी है यहां पर 40, कितनी लिखी है 40। कहते हैं लैब में अध्ययन करते समय 4 की मृत्यु हो गई, डेथ हो गई, तो यहां पर डेथ टोटल कितनी हो गई 4 की। और पूछा जाए डेथ रेट बताओ भैया कैसे, हमने कहा टोटल कितने मर गए 4, पहले से कितने थे 40, सॉल्व करोगे क्या आ जाएगा 0.1। तो यहां पर डेथ रेट पर कैपिटा कितना था 0.1 था। ऐसे सवाल आपसे पूछ सकते हैं, आप आसानी से सॉल्व भी कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, तो हमने कहा एक इंडिविजुअल या तो बर्थ या तो डेथ, लेकिन पॉपुलेशन में हम बर्थ या डेथ शब्द का इस्तेमाल नहीं करते, वहां पर हम बात करते हैं बर्थ रेट की या हम बात करते हैं डेथ रेट की बात करते हैं। अच्छा, एक इंडिविजुअल या तो मेल होगा या फिर फीमेल, कोई बीच वाला हम नहीं करते, एक इंडिविजुअल क्या होगा या तो मेल या फीमेल। लेकिन जब पॉपुलेशन की बात करते हैं तो वहां पर ये बात करना अच्छा नहीं लगेगा, मेल फीमेल, वहां तो बात करेंगे सेक्स रेशियो की, इसकी बात करेंगे सेक्स रेशियो की बात करेंगे, ठीक। तो पॉपुलेशन में मेल या फीमेल की जगह पर शब्द का इस्तेमाल करेंगे सेक्स रेशियो का। अच्छा, किसी पॉपुलेशन में आप एक बात तो सोच सकते हो खुद से, किसी जब पॉपुलेशन की बात करते हैं तो वहां पर अलग अलग एज ग्रुप के लोग रहते होंगे, इंडिविजुअल रहते होंगे, हो सकता है कुछ लोग ऐसे हो जो 10 साल के हो, कुछ 15 साल के होंगे, कुछ 30 साल के होंगे, कुछ 20 साल के, कुछ 40 साल, कुछ 50 साल, कुछ 80 साल, कुछ 90 साल, 100 साल के, कुछ 1 साल 2 साल वाले भी पाए जाते होंगे, कहना चाहते हैं अलग अलग एज ग्रुप के लोग रहते हैं।
तो एक एज ग्रुप के लोगों को तीन कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया। क्या अध्ययन करना चाहते थे कि कोई पॉपुलेशन बढ़ रही, फ्लोरिश हो रही, या वो घट रही, डिक्लाइन हो रही, इस बात का अध्ययन करना चाहते थे। तो अध्ययन के लिए एक चार्ट बनाना था, तो सबकी चार्ट बनाए थोड़ा कठिन पड़ रहा था। एक साल, दो साल, चार साल, आठ साल, तो तीन कैटेगरी में बांट दिया। एक तीन कैटेगरी में कौन सा बांट दिया? एक को कह दिया प्री रिप्रोडक्टिव, दूसरे को कह दिया रिप्रोडक्टिव, और तीसरे को कह दिया पोस्ट रिप्रोडक्टिव। ऐसे समझो कि मान लो ये कह दिया कि ऐसे लोग जो 0 से 18 साल तक के हैं उनको मान लिया गया प्री रिप्रोडक्टिव। ऐसे हाँ तो बता रहे हैं। और मान लो ऐसा कह दिया कि जो 18 से लेकर 45 साल तक के उनको रिप्रोडक्टिव कह दिया, और ऐसे वो सारे लोग जो 45 साल से ज्यादा के हैं उनको कह दिया कि पोस्ट रिप्रोडक्टिव डाल दिया कि हम प्रोजेनी प्रोड्यूस नहीं कर सकते। तो तीन कैटेगरी मार दिया, प्री रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव और पोस्ट रिप्रोडक्टिव। अब इसके आधार पर जब चार्ट बनाया गया तो क्या मिला? या तो पॉपुलेशन बढ़ रही होगी, या घट रही होगी, या स्टेबल होगी, कॉन्स्टेंट होगी। तो देखा मैं कैसे पता चले हमें, तो आपको एक लाइन पकड़ लेना क्या कि अगर आपको देखना है, अगर प्री रिप्रोडक्टिव की संख्या रिप्रोडक्टिव से ज्यादा है, प्री रिप्रोडक्टिव, यहां देखो प्री रिप्रोडक्टिव की संख्या रिप्रोडक्टिव से क्या है, ज्यादा है, तो इसका मतलब है वहां की पॉपुलेशन बढ़ रही है और पिरामिड मिलेगा एक्सपेंडिंग। ये पिरामिड अगर फोटो किसका बनाए हम आपको एक बार याद रखना कि यहाँ पर जो पिरामिड मिलता है वो कैसा होता है, एक्सपेंडिंग कहते हैं ना। और अगर आप इसका और डायग्राम थोड़ा सा क्लियर बनाओ, ऐसा लगता है कि ट्रायंगुलर बन रहा। कैसा बन रहा? ट्रायंगुलर। तो याद रखना जहां की पॉपुलेशन बढ़ रही, एक्सपेंडिंग होगी, वहां पिरामिड देखने को कैसा मिलेगा, ट्रायंगुलर मिलेगा। अगर ऐसा हो जाए कि प्री रिप्रोडक्टिव और रिप्रोडक्टिव, प्री रिप्रोडक्टिव और रिप्रोडक्टिव इनकी संख्या बराबर हो जाए, याद देखो प्री रिप्रोडक्टिव और रिप्रोडक्टिव बराबर हो गए, तो हमें कैसा मिलेगा, स्टेबल मिलेगा। ग्राफ कैसा मिलेगा, स्टेबल। और जब इसका फोटो बनाओ तो ऐसा लगता है कि ये घंटी के जैसा है, बेल शेप है। कैसा है? बेल शेप। घंटी को जैसी तो होती है, बजाया होगा, देखा होगा, तो ये कैसा मिलेगा, स्टेबल वाला पिरामिड कैसा दिखता है, बेल शेप दिखता है। और अगर ऐसा हो जाए तीसरी कंडीशन कि जो प्री रिप्रोडक्टिव है उनकी संख्या सर रिप्रोडक्टिव से कम हो जाए, प्री रिप्रोडक्टिव की संख्या रिप्रोडक्टिव से कम हो जाए, तो हमें पिरामिड मिलेगा घटता हुआ, पॉपुलेशन दिखेगी डिक्लाइन। और डिक्लाइन भी कैसा, ये दिखता है कलश जैसा। कैसा दिखता है? कलश जैसा दिख रहा। तो इसको बोलते हैं अर्न शेप। क्या बोलते हैं? अर्न शेप बोलते हैं। तो तीन कंडीशन मैंने बताई, पॉपुलेशन या तो बढ़ रही होगी, स्टेबल होगी, या घट रही होगी। बढ़ रही है एक कंडीशन, क्या प्री रिप्रोडक्टिव की संख्या रिप्रोडक्टिव से ज्यादा है। कैसा पिरामिड मिला? ट्रायंगुलर मिला। अगर प्री रिप्रोडक्टिव और रिप्रोडक्टिव बराबर हो जाए, स्टेबल कंडीशन है, पॉपुलेशन ना घट रही ना बढ़ रही, कैसा मिलेगा, बेल शेप मिलेगा। और ऐसा हो जाए कि प्री रिप्रोडक्टिव की संख्या रिप्रोडक्टिव से कम हो जाए, तो डिक्लाइन कंडीशन है, कलश जैसा दिखेगा, अर्न शेप पिरामिड हमको देखने को मिलता है। ये बातें आपने पढ़ी होंगी। चलो आगे बात करते हैं भाई, आगे बात करते हैं। अब हम बात करते हैं पॉपुलेशन साइज के बारे में थोड़ी सी। कहते हैं जो पॉपुलेशन का साइज है वो बहुत कुछ बताता है वहां के हैबिटेट के बारे में। जैसे सोचो कहीं भी पॉपुलेशन, या तो भाई स्टैटिक पैरामीटर तो है नहीं कि पॉपुलेशन हमेशा फिक्स होगी, 1000 जीवन पर 100 साल, अगले 100 साल बाद वहां की पॉपुलेशन 1000 ही होगी। वो तो बढ़ भी सकती है, 2000 भी, 3000 भी हो सकते हैं, घट भी सकती है, 50, 60, 70, 80, 90 भी हो सकती है। तो कई बातों पर डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा वहां पर कंपटीशन पर, जो रिसोर्सेज हैं उनके लिए जो स्पीशीज आपस में कंपीट कर रही आपस में किसी दूसरे के साथ, साथ साथ डिपेंड करेगा कि वहां पर कोई प्रीडेटर है, शिकारी है या नहीं, इस बात पर भी डिपेंड करेगा। अच्छा, प्रीडेटर का
क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो ऐसे सोच के देखो तुम कि मान लो दो हमारे पास में जंगल है, दो जियोग्राफिकल एरिया की बात कर रहे हैं, और यहां पर मान लो 100 हिरण थे और यहां पर भी 100 हिरण थे, बस दोनों जगह डियर की संख्या 100-100 थी। यहां पर शेर रहता था जो शेर को खाता था, प्रेडेटर था, और यहां पर इस वाले जियोग्राफिकल एरिया 1 है और ये 2 है, यहां पर शेर नहीं रहता था, कोई इनका प्रेडेटर नहीं था। तो आप सोच के बताओ कौन सी पॉपुलेशन है एरिया फर्स्ट और सेकंड में जो घट रही होगी, कौन सी जो बढ़ रही होगी। यहां पर कोई इनका प्रेडेटर नहीं है, कोई प्रेडेटर इनका नहीं है, तो कोई प्रेडेटर ना होने के कारण इनकी संख्या बढ़ रही होगी, और उस टाइम की संख्या क्या हो रही हो, प्रेडेटर के कारण घट रही हो। तो हमने कहा डिपेंड करेगा पहली बात कंपटीशन पर, दूसरी बात प्रेडेटर पर, और तीसरी बात एनसीईआरटी में लिखा है कि डिपेंड करेगा पेस्टिसाइड। तो हमने कहा कि कहीं किसी एरिया का, किसी जियोग्राफिकल एरिया का पॉपुलेशन साइज डिक्रीज भी हो सकता है, इंक्रीज भी हो सकता है, कई फैक्टर है जिम्मेवार इसके लिए, जैसे उनके बीच में कंपटीशन, प्रेडेटर का इफेक्ट, या फिर पेस्टिसाइड का इफेक्ट। पेस्टिसाइड क्या करेगा, पेस्ट को मार देगा, विभिन्न प्रकार के इंसेक्ट वगैरह को मारने का काम करेगा। और ये भी हमने बताया कि पॉपुलेशन को जो साइज है कोई फिक्स पैरामीटर तो नहीं है, वो घट सकता है, बढ़ सकता है, इनकी संख्या बहुत कम भी हो सकती है, बहुत ज्यादा भी हो सकती है। जैसे आपको एग्जाम्पल के तौर पर बताएं कि भरतपुर राजस्थान में जब वहां साइबेरिया में ठंडी पड़ती है तो हर साल वहां से साइबेरियन क्रेन इंडिया भरतपुर राजस्थान आ जाते, लेकिन जब मौसम सही होता तो यहां से लोग चले जाते साइबेरियन क्रेन, तो होता है किसी समय उनकी संख्या लाखों में रही हो, और किसी समय उनकी संख्या 10 से भी कम हो गई हो। किसी तालाब में मछलियों की संख्या, पैरामीशियम की संख्या बस तालाबों में बहुत ज्यादा हो, तो हमने कहा कि पॉपुलेशन का साइज बहुत कम भी हो सकता है, बहुत ज्यादा भी हो सकता है। ये जरूर कहा था कि तब शायद ही कभी हो कि एक स्पीसीज की एक ही इंडिविजुअल पाया जाए, होता कम से कम एक दो तो पाए जाएंगे, 3-4 पाए, तो मेरा बहुत कम, लेस देन 10 साइबेरियन क्रेन भरतपुर, या बहुत ज्यादा किसी पॉन्ड में, तालाब में कमल की संख्या के बारे में बात किया। अच्छा एक बात हमने कहा कि पॉपुलेशन साइज की तुलना में एक शब्द इस्तेमाल करना ज्यादा सही लगता है, पॉपुलेशन डेंसिटी। क्या शब्द इस्तेमाल करना चाहिए, पॉपुलेशन डेंसिटी, और पॉपुलेशन डेंसिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं एन से। किसे रिप्रेजेंट करते हैं, हमने कहा कि पॉपुलेशन डेंसिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, एन से। अच्छा पॉपुलेशन डेंसिटी का मतलब क्या होगा, अगर पॉपुलेशन डेंसिटी आपको मेजर ही करना हो, आपको बताना ही हो, तो आप कैसे बताओगे। तो हम कहते हैं कि पॉपुलेशन डेंसिटी मतलब एन, और एन निकालने का फॉर्मूला क्या है, तो हम कहेंगे नंबर ऑफ इंडिविजुअल, क्या बोला, नंबर ऑफ इंडिविजुअल अपॉन स्पेस या एरिया, या फिर कह दें वॉल्यूम कह दें, चलो ठीक। तो पॉपुलेशन डेंसिटी एन निकालने का तरीका है कि किसी एरिया में कितने लोग पाए जा रहे हैं, तो नंबर ऑफ इंडिविजुअल अपॉन स्पेस या एरिया या वॉल्यूम, जो भी कहना हो आप कह सकते हो। तो पॉपुलेशन डेंसिटी आप मेजर कैसे करोगे, माप कैसे सकते हो, तो सबसे बढ़िया तरीका है क्या है, आप संख्या गिन लो, गिनती गिन लो, सबसे बढ़िया तरीका है। लेकिन कभी कभी गिनती सब कुछ नहीं बताती, कभी कभी गिनती सब कुछ नहीं बताती। एग्जाम्पल के तौर पर कि किसी एक जगह पर एक बरगद का पौधा था, एक बनियाइन ट्री था, ठीक, और वहां पर कहीं दूसरी जगह पर 200 पार्थेनियम के पौधे पाए जा रहे, पार्थेनियम पाए जा रहे। अब यहां पर डेंसिटी आप बताना अच्छा नहीं लगेगा, पूछो तो पॉपुलेशन डेंसिटी बराबर नंबर ऑफ इंडिविजुअल अपॉन एरिया, एक बरगद का पौधा एरिया तो ज्यादा कवर करेगा, मान लो 100 मीटर कवर कर लिया है, ऐसे फालतू बता रहे, 10 मीटर स्क्वायर कवर कर लिया, तो 1/10 करोगे तो यहां आएगा 0.1 पॉपुलेशन डेंसिटी। पार्थेनियम नंबर कितने थे, 200 थे। अब छोटे छोटे पौधे बहुत कम एरिया में आ जाएंगे, मान लो 5 मीटर स्क्वायर एरिया में ही आ गए, यहां तो पॉपुलेशन डेंसिटी आ गई कितना, 40। तो देखा कि एक बनियान ट्री और 200 पार्थेनियम,
के ट्री, इनमें कंपेयर किया तो बनियाइन ट्री की जो पावरफुल डेंसिटी आ रही थी वो बहुत कम आ रही थी 200 पार्थेनियम की तुलना में। तो यहाँ पर डेंसिटी की बात करना बेमानी लगती है, क्यों? क्योंकि एक बर्डन का पौधा 200 पार्थेनियम के पौधों की तुलना में ज्यादा उपयोगी होगा, ज्यादा ऑक्सीजन देगा, ज्यादा छाया देता होगा, ज्यादा फ्रूटफुल फायदेमंद है। तो यहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी कहना उचित नहीं लगेगा। यहाँ पर हम ये कह सकते हैं बायोमास के रेस्पेक्ट में बता सकते हैं, परसेंट एरिया जो कवर किया उसके रेस्पेक्ट में हम पॉपुलेशन डेंसिटी को। तो मैंने कहा हमेशा पॉपुलेशन डेंसिटी को संख्या के आधार पर बताना उचित नहीं है, कभी कभी हम जो बायोमास का है या जो परसेंट कवर करा एरिया उसके आधार पर बता सकते हैं। और बहुत अच्छे तरीके जैसे रिलेटिव डेंसिटी के टर्म में, जैसे आप एक तालाब में मछली पकड़ने गए तो वहां पर मछलियों को डेंसिटी के आधार पर बताना भी सही नहीं, वहां रिलेटिव डेंसिटी के आधार पर बता सकते हैं। अच्छा कभी कभी तो ऐसा होता है, जैसे आपको बताएं कोई कल्चर प्लेट है, कोई कल्चर प्लेट में बहुत सारे बैक्टीरिया पाए जा रहे हैं, तो इन बैक्टीरिया को गिनके तो हम बता नहीं सकते। तो गिनके जब नहीं बता सकते हैं तो यहाँ पर क्या है, डेंसिटी के टर्म में हम आसानी से बात कर सकते हैं, नंबर ऑफ इंडिविजुअल अपॉन जो एरिया कवर करे, थोड़े एरिया में बैक्टीरिया को देख लिया और फिर पूरे एरिया के उसी हिसाब से गणना करके बता सकते हैं। तो नंबर के आधार पर, रिलेटिव डेंसिटी के आधार पर, बायोमास के आधार पर, रिलेटिव डेंसिटी के आधार पर बता सकते हैं। कभी कभी तो गणना कर नहीं सकते, देखना भी कठिन काम, जैसे किसी जंगल में आपसे कह दिया जाए कि जाओ गिन के आओ कितने शेर पाए जा रहे हैं, आप गिनने के पता शेर का मुंह खराब हो आप ही को अंदर कर लिया तो गिनती किसको बताओगे। तो वहां पर क्या करते हैं, वहां पर इनडायरेक्ट मेथड का इस्तेमाल करते हैं और शेरों की गणना या टाइगर की जो गणना हमारे नेशनल पार्क में करी जाती है वो पैरों के निशान से करी जाती है, पग मार्क से कर सकते हैं या फिर सिंगल मैप प्लेट्स के आधार पर जो उनकी गुड मॉर्निंग है उसके आधार पर गणना कर सकते हैं। तो हमने कहा हमारे पास दो तरीके हैं, एक तो पग मार्क से बता सकते हैं, दूसरा फीकल मैटर से बता सकते हैं, टाइगर की हम बात कर रहे हैं। तो हमने कहा किसी भी स्थान पर पॉपुलेशन डेंसिटी को मेजर करने के बहुत सारे तरीके मौजूद हैं। क्या तरीके बताए, तो मैंने आपको बताया डायरेक्ट या इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट हमने कहा काउंटिंग कर लो सबसे बढ़िया तरीका, काउंटिंग नहीं तो आप डेंसिटी के टर्म में बता सकते हो, रिलेटिव डेंसिटी के टर्म में बता सकते हो, या फिर हमने कहा कि जो परसेंट ए कवर कर रहा या बायोमास के टर्म में बता सकते हो ना, और या फिर बताया इनडायरेक्ट मेथड जहां पर काउंटिंग करना बड़ा मुश्किल भरा काम हो, तो फिर उसके बारे में बात बाद में करेंगे। अच्छा अब ये तो अभी तक तो ये बातें हम कर चुके थे कि जो पॉपुलेशन का साइज है कोई स्टैटिक कोई फिक्स पैरामीटर नहीं है, कई बातों पर डिपेंड करेगा पॉपुलेशन का साइज, जैसे हमने पहले बताया कंपटीशन पर, प्रीडेटर पर, पेस्टिसाइड पर, साथ साथ पॉपुलेशन का साइज रिसोर्सेस पर डिपेंड करेगा, भोजन है कि नहीं है, रहने का स्थान है कि नहीं है, वहां पर एनवायरमेंटल कंडीशन फेवरेबल है या एडवर्स कंडीशन है। तो पॉपुलेशन का साइज पर फिक्स पैरामीटर नहीं, घटेगा बढ़ेगा कई बातों पर डिपेंड करेगा। तो हमने यही देखो सामने लाइन लिखी हुई है कि पॉपुलेशन डेंसिटी इज स्पीशीज इज नॉट अ स्टैटिक पैरामीटर, ये डिपेंड समय के साथ बदल सकता है, डिपेंडिंग ऑन वेरियस फैक्टर इंक्लूडिंग जैसे फूड अवेलेबिलिटी, फिर प्रीडेशन प्रेशर, वहां की एनवायरमेंटल कंडीशन पर डिपेंड करेगा। बोलो भैया, तो कहीं किसी जगह का जो पॉपुलेशन डेंसिटी हम नापते ही क्यों है, क्योंकि पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत कुछ कहती है। जैसे आपसे कह दिया जाए, ऐसे ही बता दिया जाए कि मान लो कानपुर में 1910 में मात्र 2000 लोग रहते थे और 2010 आते आते यहाँ लोगों की संख्या 50 लाख पहुंच गई, तो हम समझ गए यहाँ फेवरेबल कंडीशन है, यहाँ का वेदर अच्छा है, सपोर्ट कर रहा है इंसानों को आसानी से यहाँ पर ग्रोथ कर सकते हैं, रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, भोजन की अवेलेबिलिटी बहुत बढ़िया है, रिसोर्सेज बहुत ज्यादा है, प्रीडेटर का इम्पैक्ट बहुत कम है। लेकिन अगर ये कह दिया जाए कि किसी स्थान पर सर 1920 में पॉपुलेशन 10 लाख थी और 2020 आते आते 5000 बचे, तो हम क्या समझेंगे, इसका मतलब है फूड अवेलेबिलिटी सही नहीं होगी, वहां के रहने का स्थान सही नहीं होगा,
एनवायरमेंटल कंडीशन अच्छी नहीं होगी, हो सकता है प्रेडेटर का प्रेशर भी बहुत ज्यादा रहा हो, तो पॉपुलेशन डेंसिटी हमें बहुत कुछ बता देती है कि घट रही संख्या या बढ़ रही। और जो पॉपुलेशन का साइज घट रहा या बढ़ रहा उसके बहुत सारे कारण भी हो सकते हैं। जैसे कारण लिखा है नेटेलिटी, कितने नंबर ऑफ बर्थ ड्यूरिंग अ गिवन टाइम पीरियड डिपेंड करेगा। अच्छा नेटेलिटी है मतलब बर्थ बी से रिप्रेजेंट करेंगे, मोर्टेलिटी मतलब कितने लोग वहां पर मर गए या मर रहे, तो नंबर ऑफ डेथ इन द पॉपुलेशन ड्यूरिंग अ गिवन टाइम पीरियड। आई माइग्रेशन इसको रिप्रेजेंट करते हैं आई से, कितने लोग बाहर से आ गए, कितने लोग बाहर से आ गए। और फिर है इमाइग्रेशन इसको रिप्रेजेंट करते हैं ई से, कितने लोग यहां पर स्थान छोड़कर चले, कितने लोग स्थान छोड़कर चले गए, इन बातों पर डिपेंड करेगा। अच्छा अगर आपसे कैलकुलेट करने के लिए कह दिया जाए कि पॉपुलेशन डेंसिटी कब बढ़ रही होगी कब घट रही होगी कैसे पता चलेगा, तो आप याद रखना नेटेलिटी मतलब बर्थ, मोर्टेलिटी डी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बाहर से आ रहे हैं आई से, छोड़ के स्थान जा रहे हैं ई से। मान लो कोई स्थान है कानपुर की बात करते हैं, किसी समय पर यहां पर पॉपुलेशन डेंसिटी मान लें टी टाइम पर एन टी थी, कितनी थी एन टी थी। अच्छा मान लो यहां पर जितने लोग पैदा हुए उनको हम रिप्रेजेंट करेंगे बी से, कितने लोग मर गए उनको डेथ हो गई डी से रिप्रेजेंट करेंगे, कितने ऐसे लोग हैं जो बाहर से आ गए आई से रिप्रेजेंट करते हैं, कितने लोग ऐसे हैं जो छोड़कर चले गए ई से रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा यहां पर जो जितने ज्यादा लोग पैदा होंगे वो पॉपुलेशन डेंसिटी को बढ़ाएंगे, बाहर से अगर आ रहे हैं ये भी पॉपुलेशन डेंसिटी को बढ़ाएंगे, जितने लोग की डेथ हो रही उनकी वजह से पॉपुलेशन डेंसिटी घटेगी, और जो स्थान छोड़ के चले जाएंगे उनकी वजह से भी पॉपुलेशन डेंसिटी घटेगी। और अगर हम सॉल्व करें इसको, अगर हम मान लो पूछ लिया जाए कि टी टाइम पर पॉपुलेशन डेंसिटी एन टी मान ले, और ये पूछ लिया जाए ये कह दिया जाए कि बताओ कि एन टी प्लस वन टाइम पर पॉपुलेशन डेंसिटी कितना हो जाएगी, तो आसान सॉल्व करने का, मान लो टी टाइम पर कितना थी एन टी प्लस जितने लोग पैदा होंगे संख्या को बढ़ाएंगे, बाहर से आएंगे वो भी संख्या को बढ़ाएंगे ठीक, माइनस जितने लोग की डेथ हो गई डेथ, और कितने लोग ऐसे हैं जो वो स्थान छोड़कर चले गए, तो एन टी प्लस वन बराबर एन टी प्लस बर्थ प्लस आई माइग्रेशन माइनस डेथ प्लस ई माइग्रेशन। अच्छा सही बात, और हम आपको बताना चाहते हैं जल्दी से, कहते हैं कि ये जो सामने आपको बना है पॉपुलेशन डेंसिटी इक्वल टू लिखा है पॉपुलेशन डेंसिटी एन से, जो लोग पैदा हो रहे हैं नेटेलिटी बी से, अब बाहर से आ रहे आई मर गए डी और छोड़ के चले गए तो ई से रिप्रेजेंट कर दिया, फिर वो फॉर्मूला जो भी मैंने बताया था एन टी प्लस वन बराबर एन टी प्लस बर्थ प्लस आई माइग्रेशन माइनस डेथ प्लस ई माइग्रेशन। अच्छा जी एक बात और बताना चाहते हैं जल्दी से, कहते हैं कि जितने ज्यादा, अच्छा आपको कैसे पता चलेगा कि पॉपुलेशन घट रही बढ़ रही क्या स्टेबल है, देखो अगर बर्थ प्लस आई माइग्रेशन, बर्थ प्लस आई माइग्रेशन बराबर डेथ प्लस ई माइग्रेशन, अगर ये बराबर है तो इसका मतलब है पॉपुलेशन ना घट रही ना बढ़ रही, क्या बोलोगे पॉपुलेशन का साइज क्या है स्टेबल। ऐसा हो जाए बर्थ प्लस आई माइग्रेशन इज मोर देन डेथ प्लस ई माइग्रेशन, जो लोग पैदा हो रहे हैं बाहर से आ रहे हैं उनकी संख्या डेथ और ई माइग्रेशन से ज्यादा है, समझ जाना पॉपुलेशन बढ़ रही मतलब कैसी कंडीशन है एक्सपेंडिंग कंडीशन है। अगर ऐसा हो जाए बर्थ प्लस आई माइग्रेशन इज लेस देन डेथ प्लस ई माइग्रेशन, इसका मतलब पॉपुलेशन साइज क्या हो रहा घट रहा डिक्लाइन कंडीशन हम बोलेंगे, बोलो भैया। तो ये बातें हम लोगों ने आपसे करी अभी तक, हम लोगों ने किया ये बातें। अच्छा हमने कहा कि अगर यूजुअल कंडीशन में पूछा जाए कि कौन से दो पैरामीटर ऐसे हैं जो पॉपुलेशन साइज को सबसे ज्यादा प्रभावित करेंगे यूजुअल कंडीशन में, तो यूजुअल कंडीशन में सबसे ज्यादा जो प्रभावित करते हैं दो फैक्टर, एक बर्थ और दूसरा डेथ, कितने लोग पैदा हो रहे हैं कितने लोग की डेथ हो रही,
लेकिन अनयूजुअल कंडीशन में या कभी कभार ऐसा हो सकता है कि आई माइग्रेशन और ई माइग्रेशन प्रभावित कर दे। तो अगर पूछा जाए कि यूजुअल कंडीशन में पॉपुलेशन डेंसिटी को सबसे ज्यादा कौन से दो फैक्टर है जो अफेक्ट करते हैं, आप बोलना बर्थ और डेथ। लेकिन अगर कहीं विशेष परिस्थिति में अचानक से किसी देश में भूकंप आने लगा या कोई पॉलिटिकल वॉर हो गया, कोई कंडीशन खराब हो गई और वहां के लोग किसी दूसरे देश में चले गए, वो आई माइग्रेशन या ई माइग्रेशन की स्पेशल कंडीशन होगी जो आपको सवाल में दिया रहेगा पूछने, अगर वो आपसे पूछता है तो। अच्छा, ग्रोथ मॉडल की हम लोग बात करते हैं और जब हम ग्रोथ मॉडल की बात करते हैं तो वहां पर दो प्रकार की ग्रोथ का जिक्र किया जाता है। एक तो हम बात करते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की, दो बातों का जिक्र करते हैं, एक तो हम बात करते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की और दूसरी बात करते हैं लॉजिस्टिक ग्रोथ की। इसकी बात करते हैं लॉजिस्टिक ग्रोथ की बात करते हैं। अगर हम एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की बात करें तो आप याद रखना, कहते हैं कि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की जब बात करें इसको ज्योमेट्रिक ग्रोथ भी कहा जाता है और ये तब देखने को मिलती है जब फूड या जो रिसोर्स स्पेस है, रहने का स्थान है, वो अनलिमिटेड हो। और ये एक आइडियल कंडीशन है या रियल कंडीशन है, एक आइडियल कंडीशन माना जाता है क्योंकि फूड और स्पेस तो अनलिमिटेड है, किसी भी ऑर्गेनिज्म, किसी भी स्पीशीज, किसी भी पॉपुलेशन के लिए नहीं है। डार्विन जब नेचुरल सेलेक्शन की बात कर रहे थे तो इस प्रकार की ग्रोथ का उन्होंने जिक्र किया था। तो याद रखना, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ तब देखने को मिलती है जब क्या हो, जब फूड और स्पेस क्या हो, अनलिमिटेड हो। कैसे हो भैया? अनलिमिटेड। और अनलिमिटेड होंगे भयानक अनइम्पेडेड ग्रोथ, मतलब बेरोक टोक ग्रोथ लगातार होती चली जाएगी और इतनी ग्रोथ होगी कि हो सकता है एक ही स्पीशीज से पूरी धरती भर जाए। कब? जब रिसोर्सेस अनलिमिटेड हो। कौन से? फूड और स्पेस। हमने कहा कि डार्विन जो अध्ययन कर रहा था नेचुरल सिलेक्शन के बारे में, तो डार्विन साहब ने इसी प्रकार की ग्रोथ का जिक्र किया था। अच्छा, इस मॉडल को अगर हम देखें, एक ग्राफ पर देखें, तो हम ये देखते हैं कि अगर मान लें एक एक्स एक्सिस पर मान लो टाइम लिखा, वाई पर पॉपुलेशन डेंसिटी लिखिए, तो कहते हैं यहां जो ग्रोथ होती है वो जे शेप करवाता है। कैसा आता है? जे शेप, एक्सपोनेंशियल या ज्योमेट्रिक। ज्योमेट्रिक ग्रोथ का एक अंदाजा लगाओ कि जैसे मान लो एक सेल थी, डिवाइड हुई 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024, शुरुआत तो स्लो लग रही थी, बाद में क्या था, बहुत भयानक बढ़ने लगी। और इसको एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को जब सॉल्व करते हैं लिखते हैं कि dn अपॉन dt बराबर r इनटू n, जहां पर r है इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज और r को r है क्या हकीकत में, r है बर्थ रेट पर कैपिटा माइनस डेथ रेट पर कैपिटा, n क्या है पॉपुलेशन डेंसिटी और dn अपॉन dt क्या है रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी। तो dn अपॉन dt बराबर क्या होगा, r into n, r इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, r बराबर क्या होगा बर्थ रेट माइनस डेथ, बर्थ रेट माइनस डेथ रेट होगा जैसे। और इंटीग्रल फॉर्म में जब हम इसको लिखते हैं तो ये आता है n t equal to n naught e की पावर r into t, जहां e क्या है बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम, ये नीट का पूछा गया सवाल है और इसकी वैल्यू होती है 2.71। आप तो फिजिक्स पढ़ते हैं, आप सबको पता होगा। आप याद रखना, इस प्रकार की ग्रोथ तब मिलेगी जब फूड और रिसोर्स क्या हो अनलिमिटेड और कर्व कैसा जैसे। लेकिन एक बात और बता देते हैं, यहां पर संख्या बढ़ रही, लेकिन सडन क्रैश होता है। एग्जांपल के तौर पर हम आपको बताएं, आप देखा होली के पहले बहुत सारे कीड़े आ जाते हैं ना, और जैसे ही होली आती है वो कीड़े सारे मर जाते हैं, ऐसा देखा होगा। दीपावली के पहले देखा होगा ऐसा कई बार, बोलो भैया। तो होता क्या, बहुत तेजी से बढ़ी, सडन क्रैश, सडन ब्रेकडाउन हो जाता है, ऐसा जे शेप कर्व में देखने को मिलता है। और क्या बताया, dn / dt बराबर r into n। अब नेक्स्ट क्लास हम लोग कल करेंगे
और बचा हुआ पोर्शन इसका कंप्लीट करेंगे क्योंकि बड़ा चैप्टर था, इसलिए मैं 2 दिन पहले से दे रखी। थैंक यू।